सो हेलो नमस्कार वालों, तो मेरा नाम है सौरभ कालिया और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया। सो आज की इस वीडियो में गाइज, मैं इस हफ्ते के जो भी जितने भी मैंने मैचेस खेला उनमें से गाइज मैंने कुछ बेस्ट मोमेंट्स निकाल के लाया हूँ और वो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सोलो वर्सेस डुओ के। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोगों ने पहला डुओ खत्म कर दिया। तो तुम लोगों ने सिंपली देख लिया कि जो बंदा उधर किसी दूसरे को, मतलब मैंने थर्ड पार्टी कर दिया यहाँ पे और उनको पूरी तरीके से कन्फ्यूज कर दिया। एंड देन यहाँ पे देखना, एंड ये जो सेकंड सिचुएशन थी यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो छोटा सा घर है, ठीक है, वो छोटा सा घर दिख रहा है ना तुम लोगों को बाजू में, छोटा सा हाउस, वहाँ पे बंदा देखो जहाँ पे नेट किया मैंने, हाँ तो वहाँ पे बंदा नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे बंदा नहीं रहता है तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाता है कि मैं भी सामने जा सकता हूँ भाई, वहाँ से वहाँ पे कोई टी पी पी नहीं ले रहा हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि इस घर में बंदा है वो, ठीक है, तो मतलब मेरा अनुमान थोड़ा सा गलत हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे जैसे उसको डाउन कर दिया, बस यहाँ से उसे हिट नहीं लग रहे थे और जैसे तैसे लग गए और वो मर गया। और अब बचा है गाइज उसका सेकंड बंदा, तो उसका सेकंड बंदा वहाँ पे था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो ऊपर भाग गया, पर जैसे ही उसने गोलियाँ चलाई वैसे ही भैया हम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया। और तो ये दो सिचुएशन गाइज आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर वीडियो कमेंट करके बताना। और ये तीसरी सिचुएशन ये देखो यार, सो यहाँ पे मेरा गेम आप लोगों को बताया गाइज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर नहीं चलते है मेरा गेम, सो बहुत सारे ये होता है, मतलब दिक्कत आती है। ये देखो यार, हिल ही नहीं रहा मेरा स्कोप, मतलब सेंसिटिविटी सब ठीक है, बस जो स्क्रीन रहता है ना, स्क्रीन का प्रॉब्लम, वो हिल ही नहीं रही थी उस समय, तो मतलब कुछ पिंग विंग का इशू था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था स्क्रीन के साथ। तो मैंने सोचा कि भैया स्नाइपर शॉट तो बहुत मुश्किल रहेगा ये देखना अब, सो मैंने सोचा नहीं यार हार्ड स्कोप नहीं, क्योंकि अपना गेम बराबर वर्क नहीं कर रहा है, अपनी स्क्रीन बराबर वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ टच का प्रॉब्लम है क्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो जल्दी फिक्स कर दूंगा या फिर नया मोबाइल ले लूँगा। ठीक है, सो ये देख लेना, अब इसे मैं ट्राई करता हूँ, तो नेट में ज़रा सा ज़्यादा ही खींच लेता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो सेकंड टाइम मैं बराबर वहाँ पे नेट करता हूँ, देखना, देखो जब तीन या चार से सेकंड रहना तब छोड़ देने का अगर दूर फेंकना हो तो, देखो बराबर बंदा नॉक होता है। ठीक है, तो ये वाली टिप ध्यान में रखना कभी भी, और बस और एक नेट करने के बाद रुकना नहीं, और जो होगा अपने पास वो फेंक देना, क्योंकि बंदे छुप के कहीं कोने में जाएंगे, ठीक है, ना कि खुले में रहेंगे, ना कि टिपी भी लेंगे आपके लिए। तो जैसे कि इस वाले सिचुएशन पे होता है, देखो मैं प्री फायर करके घुसा एंड ये देखो मैंने कहा था पहले बंदे कोने में छुप जाएंगे और यहाँ पे वही हुआ, जैसे मैंने वहाँ पे एक और स्मोक कर दिया वैसे ही उन्हें लगा कि नेड है तो वो छुप गया अंदर और रिवाइव देने लगा वो। तो यही होता है गाइज, आप लोग भी ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, स्मोक हो चाहे कुछ भी हो डाल देना बस। ठीक है, सो ये वाली अच्छी सिचुएशन बन गई थी। और इसके बाद गाइज यहाँ पे ये वाली सिचुएशन देखना, यहाँ पे जो मैंने कहा था कि मेरा गेम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे देख लेना एक और नमूना मैं दिया हूँ आप लोगों को हाई पिंग का, ये देखो। सो देखो, तो उसे मैंने तीन हेडशॉट दिए यूएमपी के और वो नॉक हो गया। ठीक है, एंड वो नॉक हो जाने के बाद अब देखना यहाँ से क्या सीन होता है मेरे साथ। सो गेम मतलब बहुत ही अलग ही लैग होने लगा, और गाइस ऐसा ही हर गेम में मेरा होता है। ठीक है, ऐसा एक भी गेम नहीं जिस गेम में मेरा मोबाइल लैग नहीं होगा और मैं प्रॉपर तरीके से रश नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मतलब तुम लोग पिछली सिचुएशन भी देखी, उसमें भी यही सीन थे और यहाँ पे भी वही सीन हुए, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रश नहीं कर पाया और उसलिए उनको एडवांटेज मिल गया। पर कुछ भी होगा इस एक एक करके मैंने फिर यहाँ पे जो दो बॉट थे मैंने उन दोनों बॉट को मारा, जो कि बाजू में तुम लोगों को ये क्रेट्स देखेंगे बॉट्स के, अभी देखेंगे तुम लोगों को। ठीक है, अभी ऊपर टीपी भी ले रहा, क्योंकि वो दो बंदे ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाजू में ये देखो, ये जो दो डब्बे दिख रहे हैं वो दोनों अभी किल किए मैंने, बॉट थे वो लोग, तो उनके दो किल मिल गए मेरे को आराम से। तो केडी का तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर दो रियल बंदे थे ऊपर में, और अब उनको मतलब यहाँ पे मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर इस स्मोक को देखते रहेंगे एंड मैं उनके बाजू से ऊपर जाके उनको रश कर दूंगा, पर यहाँ पे मेरा प्लान फेल हो जाता है और वो दोनों बंदे का इस पहले ही नीचे कूद के भागने लगते हैं। तो मतलब उन्हें पता नहीं होगा कि मैं वहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं कैंप कर रहा था, टी पी पी ले रहा था वहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब वे खुले में भाग रहे भैया, अब तो इनका बचना मतलब लगभग नामुमकिन ही है ये देखो। ठीक है, तो बस नामुमकिन ही है और इन्हें हम लोगों ने दे दिया। तो ये वही बंदे हैं जिन्हें मैंने नॉक किया था और मेरा गेम लैग हुआ था उसके बाद। तो कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, उन्हें मार दिया, पर तुम लोग देख सकते हो गेम कितना लैग हो रहा है, मतलब यार बस अब चैनल ग्रो हो जाएगा तो मैं नया फ़ोन और वाईफाई ले लूँगा यार बस। अब ये वाली सिचुएशन देख लो गाइस, ये वाली सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, और मतलब अब जस्ट उतरे हैं हम लोग और ये घाट का भी उतरे थे, क्योंकि हमारा गेम यार तुम्हें पता है यार मेरा गेम कभी भी प्रॉपर वर्क नहीं करता, और जब मैं उतरता हूँ तब तो करता ही नहीं है, इसलिए मैं गाइस ये नॉर्मल लोकेशन पे आया जहाँ पे ज़्यादा बंदे ना हो, पर यहाँ पे भी बंदे आ जाते हैं, किस्मत हमारी बुरी है
तो यहाँ पे बंदे आ जाते हैं। पर जैसे तैसे गाइज ये वाली सिचुएशन पे यहाँ पे इस वाली मैच में मुझे मिनी 14 मिल चुके हैं, और आई थिंक मिनी 14 मिली इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। सो अब देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ। तो सो हमारा एक बंदा सामने के घर में है, उसे मैं कह रहा हूँ भाई आप पीछे आ जाओ फाइट मत लो, पर उन्होंने फाइट ले ली है अब। एंड देखो वो सामने वाले घर में, मेरे सामने वाले घर पे बंदा है, ठीक है। और ये देखो सो उन्होंने फाइट लेके वो तो नॉक हो चुके हैं अब, और अब बहुत मुश्किल होगा उन्हें बचाना क्योंकि मेरे सामने वाले इसमें बंदा है और वहाँ पे जस्ट बाजू में बंदा है, ठीक है। तो ये देखो मैंने कहा था मेरे सामने वाले इसमें बंदा है तो मैं उसे बचा के नहीं जा सकता, और गलती से गाइस मेरा जो फाइव फिंगर क्लॉ है वो यहाँ पे फेल पड़ गया। एंड मेरे जो जो आसपास में कंट्रोलर्स हैं ना सारे, तो इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और मैंने यहाँ पे हेल्थ खा ली। पर दिक्कत की बात नहीं है भाई, फाइव फिंगर क्लॉ जिंदा है अपना, और जैसे तैसे बोलूँगा मैं तो प्रोनेस नहीं दिखाई मैंने यहाँ पे, जैसे तैसे मैंने मार दिया। और मैं कोई प्रो बंदा हूँ नहीं, मैं पहले बता दूँ, जैसे तैसे यहाँ पे उस बंदे को मार दिया तो लग गए मेरे हिट। अब तुक्का तुक्के से लग गए भैया हिट और मैंने उन्हें मार दिया, ठीक है। सो यहाँ पे बस हील कर लिया मैंने। अब उसका सेकेंड बंदा बचा है जिसने अपने टीममेट को खाया है, तो अब देखना वो बंदा वहाँ से सामने की तरफ आने की कोशिश करेगी। ये देखो यहाँ पे फिर से मेरा गेम लैग हुआ एंड मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ मारने की, पर नहीं, एक दो गोलियाँ लगी और मुझे ऐसा लगता है गाइज वो आधे से ज़्यादा तो उसकी हेल्थ चली गई, इसलिए मैंने कहा भैया चलो रश करें क्योंकि उसकी भी पिस्टन ही होगी। और ये देखो ये सबसे गलत चीज़ है, ये कभी नहीं करना, आधी बॉडी दिखा के टीपी भी कभी नहीं लेना, ठीक है। तो ये वाले कुछ गाइज आज की वीडियो में कुछ मैंने बेस्ट मोमेंट्स बताए इस वाले वीक के, मतलब कुछ आखिरी के दो तीन दिनों के जो मेरे साथ हुए। और चिकन डिनर नहीं मिला गाइज यार, इतने लाग में कैसे मिलेगा यार। और केडी मेंटेन तो भाई जैसे तैसे कर ले रहा हूँ मैं तो, और टायर भी थोड़ा बहुत मैं मेंटेन कर ही ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सो आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा मैं, बस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, टायर भी दिखाऊंगा, केडी भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट जरूर कर लेना। और आप लोगों को मुझसे बातचीत करनी होगी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, और आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना हो नया मोबाइल लेने के लिए मेरा पेटीएम नंबर नीचे दिया हूँ तो डोनेट कर देना। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतने, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।